जो अरबपति लोग होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये मेरी औकात से बाहर है या अभी मैं इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो हमेशा अपने स्किल से ज्यादा का एम रखते हैं, जो उनकी स्किल से उनसे ज्यादा आगे जाते हैं, और फिर उनको अचीव करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, हद पार मेहनत कर लेते हैं। डरते नहीं है कि इतना तो मेरा टैलेंट भी नहीं है, अचीव कैसे करेंगे। वो करके सीखने में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक, यानी कई बार चलना सीखने से पहले दौड़ना पड़ता है। वो फेल होकर सीखने में बिलीव करते हैं, पहले घर बैठकर ट्रेनिंग लेके उसके बाद में फील्ड में उतरना, इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। वो फील्ड में खेलते खेलते सीखते हैं। इस चीज को बोलते हैं रियल टाइम लर्निंग, यानी लर्निंग और एक्शन का सेम टाइम चलना। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने ये डिसाइड किया कि उनको पटंग कौआ लैंग्वेज सीखनी है, जो कि चाइनीज लैंग्वेज का एक मैंडरिन डायलेक्ट है, बोली है। बहुत दिक्कतें आई बट आज वो बहुत अच्छे से इस लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं। डर और ग्रोथ दोनों ऐसी चीज है जो दोनों एक साथ नहीं होती है, एक को हटाना ही पड़ता है, या तो डर हटाना होता है या फिर ग्रोथ। ये था नंबर वन, अरबपति लोग अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। अरबपतियों की और क्या आदतें हैं हम जानते हैं इस वीडियो में। नंबर टू, अरबपति लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। टॉम कॉर्ली जो कि हैबिट्स ऑफ रिच पीपल के ऑथर है, उनकी कई सालों की रिसर्च है जिसमें उन्होंने रिच लोगों की लाइफस्टाइल, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनकी हैबिट्स को स्टडी किया। और एक चीज जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन देखी इन्होंने, वो थी कि अमीर लोग जो है, अरबपति लोग जो है, जो रिच लोग है, वो कम से कम एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व है ही। वो कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलते हैं जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है।